जो ख्वाब न देखे वो आंख ही क्या, और जो मेहनत ना करे वो बाप ही क्या। फाइनेंस जॉब करते समय आप करते हैं 7 मिस्टेक करते हो, जिसके कारण आप जॉब नहीं कर पाते, आप टारगेट नहीं पूरा कर पाते। और मैं इसी विषय में आपको बताऊंगा, मोटिवेट करूंगा। एक छोटी सी स्टोरी है, ये फिल्म स्टोरी, आई होप आपको एंजॉय करेंगे। इसके बाद मैं एक बहुत जल्दी फिल्म लाने वाला हूं, जिसका नाम है फील्ड ऑफिसर। इसको बनाएंगे अपन छोटे स्तर पर, और आपको बहुत मोटिवेशन और बहुत एक्सपायरिंग मिलेगी, क्योंकि आप हैं खुद एक फील्ड ऑफिसर। फर्स्ट बता देता हूँ आपको, मैं जॉब का प्राइवेट कंपनी, फाइनेंस, कॉर्पोरेट, कहीं भी जॉब करो, प्राइवेट में हो तो प्राइवेट में कोई कंपनी फर्स्ट नहीं और कोई कंपनी लास्ट नहीं, ठीक है। कंपनी मजा नहीं आएगी, जॉब छोड़ेंगे, दूसरी कंपनी तेरे जैसे 50 पड़ी है, काम कर रहा हूँ, काम आता है, बस इतना होना चाहिए। आप यही एक्ट करते हैं कि आप पहली कंपनी में आप बोलते हैं कि नहीं, इसी में काम करना है मुझे, इसी में आगे बढ़ना है, और वहीं पर आपको काम नहीं हो पाता है तो आप हार जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने खुद 36 कंपनियों में काम किया है, मैं कैसे फाइनेंस में आया और कैसे इसमें सक्सेस हुआ, मैं खुद को नहीं पता। तो कोई कंपनी फर्स्ट नहीं, कोई कंपनी लास्ट नहीं। आप जितने साल तक कर सकते हैं, इवन 62 ईयर्स के बाद भी आप जॉब कर सकते हैं एज ए कंसल्टेंट, तो कोई दिक्कत नहीं। आप 20 हर कंपनी में जीवन में किसी भी एज में जॉब स्विच कर सकते हैं, आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, बस आपके पास में एक्सपीरियंस और वर्किंग होना चाहिए। जॉब का फटेर भटार खाना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा बोलता हूँ, वो फ्यूचर की बहुत सोचते हो आप। फ्यूचर क्या है, घंटा फ्यूचर कुछ है, कुछ नहीं वाला। फालतू तो टेंशन मत लेना इन फ्यूचर के बारे में सोच के कि मैं कब ये होगा, कब मैं घर बनाऊंगा, कब शादी, कब बच्चे का, ये सब हो जाएगा। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अभी आप जॉब कर रहे हो, जॉब पे ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद अपना सेविंग करो, फ्यूचर सेविंग करने से है, ठीक है, अपने वे बढ़ाने से है। कितने तरह की इनकम आप कमा सकते हो, सिर्फ सैलरी से हो जाएगा, इंसेंटिव से हो जाएगा, और वे बढ़ाओ, सेविंग करो, इधर इन्वेस्ट करो, प्लॉट खरीदते जाओ, पैसा कुछ भी अपने पास मत रखो, पूरा दुनिया शेयर है, आज डिजिटल वर्क है, मिसेस है आपकी, घर में अगर जगह है तो किराए का मकान निकाल दो, किराए की दुकान, 10 प्रकार से वे निकालो, जैसे मैं निकाल के रखा, और आज 40,000 रुपये तो महीना देखो मिल जाता है कुछ किए बिना। तीसरी बात बोलता हूँ, लोग तो धैर्य नहीं रखते, आप में पेशेंस नाम की तो चीज़ ही नहीं है। आप में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत 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 रखना, क्योंकि आपको परिणाम प्रतिफल तुरंत नहीं मिलेगा, आपको वो धैर्य से ही मिलेगा, और एक कंपनी से नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी रहे और पहली कंपनी में आप बूस्ट कर जाओ, नहीं तो आपको कम से कम 4-5 साल घसीटना पड़ेगा इस फाइनेंस कंपनियों में, श्रीराम में, चोलामंडलम में, महिंद्रा में, तब जाके कहीं आप जाके इंडसइंड में, तब आप कहीं जाके एसके में। ऐसे आदमी सेट होता है, ऐसे नहीं कि सचिन आया और पहले बाल में छक्का मार दिया, धोनी आया पहले बाल में छक्का मार दिया, सब आउट होके होते होते वो चांस मिलते 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 बनाया फिर गया। तो ये है दोस्तों कि धैर्य रखो, फर्स्ट कोई फर्स्ट जॉब नहीं, कोई लास्ट जॉब नहीं, बस लाइन मत छोड़ो। काम आपने चूज कर लिया कि मेरे को फाइनेंस में काम करना है, तो फाइनेंस में स्टार्ट किए जॉब, ख़त्म बात, अब इसी में आगे बढ़ना है। यही नहीं कि इसी कंपनी में मेरे को मरते रहना है, जब मूड आएगा तब छोड़ दूंगा, रिजाइन दूंगा, नोटिस पीरियड काटूंगा, क्लियर करूंगा अपना, ना खाता हूं ना कुछ करता हूं, काम बढ़िया है मेरा, मेहनत कर रहा हूं, भले रिजल्ट नहीं मिला आज नहीं तो कल मिलेगा, इस नहीं तो दूसरी कंपनी मिलेगा, बस ये बातें रख लो, नंबर पर आ जाओगे हमारी तरह, ठीक है। दूसरों पर निर्भर मत रहना भाई, कभी किसी के लाइफ में कि जॉब कर रहे हो ना, ये मेरे फाइल ला देगा, यहाँ से फाइल मिल जाएगी, ये मेरी हेल्प कर देगा, कुछ नहीं, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, तुम्हारी हेल्प करेगी तुम खुद, तुम्हारा डिसीजन और तुम्हारी किस्मत, ठीक है। क्या पता तुमको ऑफिस में बैठे बैठे कस्टमर मिल जाए, क्या तुमको पता तुमको फील्ड में मिल जाए, क्या पता तुमको घर में बैठे बैठे कभी भी दुनिया में कहीं भी कस्टमर किसी टाइम भी आ सकता है, बस आप में जुनून होना चाहिए उनको कैच करने का, वो खुद ढूंढते हुए आपको आ जाएगा। इसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ करते कर सकते हैं, फेसबुक पड़ा हुआ है यार, 600 रुपये में बूस्ट होता है, एक पोस्ट बनाओ कि मैं फाइनेंस करता हूँ, मैं ये फाइनेंस करता हूँ, अपना लोकेशन डालो, ठीक है, किस लोकेशन पर जॉब कर रहे हो, कुछ नहीं करो, एक छोटा सा रील बनाओ फेसबुक के, मात्र पेज बनाओ और 600 रुपये लगेगा मात्र, उसको घुमा दो, 600 रुपये पेड कर दो, किसको, फेसबुक को, आपको कम से कम वो जो आपका रील है ना, उसको कम से कम 1 लाख लोगों के पास भेजेगा, 2 लाख लोगों के पास भेजेगा, तो उसमें से आपके 50,000 लोग देखेंगे, तो
और कहाँ के देखेंगे 50,000 रुपये, इंडिया के नहीं। आपने लोकेशन भी डाल रखा है भाई जी, आपके घर के एरिया का, जहाँ पर आपका क्या है, जहाँ आपको लोकेशन मिला है। हाँ, तो जैसे मेरा शहर है तो मैं अपने शहर डाला, तो मेरे शहर के बाहर का नहीं आएगा वो, मेरे शहर के लोगों को 50,000 लोगों को दिखाएगा, समझ गए। सबसे बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ, और मैं क्योंकि मैं डिजिटल और इन्फ्लुएंसर हूँ, तो आपको ये बात बता रहा हूँ कि फेसबुक में 600 रुपये डाल दो और बूस्ट कर दो पोस्ट को, ठीक है, पेज बना के, तो आपके और लोकेशन डाल देना अपने एरिया का, ठीक है, तो आपके एरिया में पूरा जन जन बच्चा बच्चा धन धन हो, मोदी ज़्यादा आपको जाने लगेगा, ठीक। पांचवी बात है दोस्तों, आप सैलरी पे जॉब करते हो, मतलब सैलरी के लिए जॉब करते हो, कब मिलेगी सैलरी यार, सैलरी कब मिलेगी, तनख्वाह कब आएगी, आप सीखने के लिए जॉब नहीं करते हो। जॉब का पैशन होना चाहिए, जैसे कुछ लोग बी वाले हैं, उनको कंप्यूटर से प्यार है, टेक्नोलॉजी से उनको प्यार है, तो काम साथ उन लोग 15-15, 16 घंटे काम कर लेते, क्योंकि उनको जॉब से प्यार है। उनका होप था कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं टेक्नोलॉजी रहूं, MBBS वालों का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, किसी का IPS का सपना था, तो वो दिल से जॉब करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सपना ही था उनके, उनका ड्रीम था कि एक दिन मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। आपका ड्रीम ही नहीं था कुछ, क्या पैसा वाला बनूंगा उनके। किसी भी आदमी का डॉक्टर बनूँ ना फलना बनूँ ड्रीम नहीं, सब आदमी का रहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ, पैसा ला, मतलब बहुत बड़ा आदमी मतलब पैसा ला आदमी, तो पैसा इसमें से ज़्यादा कहीं नहीं है भाई आज के डेट में एज ए ग्रेजुएशन। तो सब जॉब मत करो, सीखने का प्रयास करो, जितना सीखोगे सब आपको जॉब चले जाएगी, कब आपको टारगेट हाइटेक हो जाएगा, आपको सर नहीं पाएगा, आप इस खेल में हार जाओगे दोस्तों, साफ बता रहा हूँ। तो आप सिर्फ सीखो कैसे करना है, कौन सा सेगमेंट अच्छा है, क्या फाइनेंस मार्केट में चल रहा है, उसमें दौड़ो, ऐसे नहीं आपको जो मिल गया वो तो वही मिल गया, नहीं यार मेरे से अच्छा कौन सा फाइनेंस है, मैं बेस्ट कौन सा फाइनेंस की कंपनी में काम कर सकता हूँ, मैं किस प्रोडक्ट में ज़्यादा माहिर हूँ, मैं गोल्ड में अच्छा कर सकता हूँ, मैं बिजनेस में अच्छा कर सकता हूँ, मैं व्हीकल में अच्छा कर सकता हूँ, बाइक फाइनेंस अच्छा कर सकता हूँ, मैं पर्सनल फाइनेंस अच्छा कर सकता हूँ, अपने हिसाब से देखो प्रोडक्ट को, जहाँ प्रोडक्ट आपको जम रहा है उसी लेवल को मांगो, नहीं तो वहाँ से स्विच कर दो, ठीक है, और उस जॉब को करो, सफल हो जाओगे, ठीक। और दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी अपनी फील्ड ऑफ डिसर्मेंट भी हो सकते, तो कल परसों मैं बनाता हूँ, बड़े स्टिंग का काम चल रहा है, तो आपको देखने में मज़ा आएगा, आपको नई मोटिवेशन मिलेगा। और इस जॉब का बता रहा था मैं, तो ये चोलामंडलम में जॉब है, देख लीजिए, ठीक है, चोलामंडलम में जॉब है झारखंड के लिए। इसका पूरा एड्रेस और इसका डिस्क्रिप्शन मैं पूरा एड्रेस दे दूँगा आपको, बताया था कि आज से अपना जॉब भी चालू हो गया है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ दोस्तों आपको कि इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, एड्रेस। आज से जॉब स्टार्ट है, 15 मार्च तक इंटरव्यू है और फ्रेशर को ले रहा है, सब देख लीजिए, हैं बिल्कुल बिंदास जाइए झारखंड वाले लोगों के लिए। अब हर वीडियो में एक वैकेंसी में डाल रहा है करूँगा और सबको जॉब मिल जाएगा, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर।